प्रॉब्लम होते हैं। पहले मेरा जो स्टॉप था वो काफ़ी पास था, चलो मेरी मिस ना हो जाए, इसकी वजह से मैं थोड़ा घर से जल्दी निकलने की कोशिश करता हूँ हमेशा। तो सामने हमारा इधर दारू अड्डा है, अगर जिसको पीना है आ सकते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो स्वागत करता हूँ मेरे डेली फर्स्ट व्लॉग में। तो कैसे हैं आप लोग, आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे और अपने घर में सेफ होंगे। तो ये मेरा डेली का फर्स्ट व्लॉग है। तो अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और मैं अभी जस्ट उठा हूँ, जाता हूँ, फ्रेश वगैरह हो जाता हूँ, फिर आप लोगों से बात करता हूँ। तो भाई जस्ट अभी मैं नहा के आया, तो सुबह सुबह नहाते हुए बहुत ठंड लग रही थी, क्योंकि पता है आप लोगों को सुबह बहुत ठंड होती है तो नहाने में प्रॉब्लम होता है। तो गर्म पानी से मैं नहाता नहीं, इसकी वजह से ठंड लगती है ज़्यादा, क्योंकि गर्म पानी से नहाना भी नहीं चाहिए, ठंडे पानी से नहाते हैं तो दिमाग एकदम शरीर पूरा खुला रहता है। तो मम्मी अभी हमारी इधर चाय बना रही है और कुछ पराठे वगैरह इधर। तो भाई नाश्ता आ चुका है, तो नाश्ता करते हैं अभी। नाश्ते में हमारे मम्मी ने दिया है आज चाय है, पराठे है, यही नमकीन है। फिर उसके बाद खाते हैं, नाश्ते वगैरह करते हैं, उसके बाद कपड़े वगैरह पहनते हैं, उसके बाद फिर निकलते हैं जल्दी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो चुका हूँ। भाई तो मेरा सुबह ही निकल गया है, क्योंकि उसका जल्दी जाना पड़ता है उसको जॉब पे, और मुझे तो लेट जाना पड़ता है, इसलिए मैं आराम से उठता हूँ। उस एटलीस्ट उसको 5:30 बजे निकलना पड़ता है घर से, और मुझे लगभग 7:30 या 7:45 बजे निकलता हूँ। तो चलता हूँ फटाफट नाश्ता करता हूँ, उसके बाद निकलता हूँ। सो गाइस फाइनली नाश्ता वगैरह सब हो गया, वो बैग वगैरह सब रेडी कर लिया मैंने, और अभी निकलते हैं जॉब के लिए सीधा। ठीक है मम्मी, जा रहा हूँ मैं। तो अभी 7:30 बज रहे हैं सुबह के, तो अभी मुझे जाना है, मैं ऑटो पकड़ूंगा यहाँ से, ऑटो पकड़ने के बाद से मेरे को स्टेशन जाना है। एटलीस्ट मेरा ना स्टॉप है ना वो बहुत ज़्यादा दूर है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं। पहले मेरा जो स्टॉप था वो काफ़ी पास था, बट अभी मेरे को काफ़ी चल के जाना पड़ता है, मेरे को यहाँ से ऑटो पकड़ना है, ऑटो पकड़ने के बाद फिर स्टेशन जाना है, स्टेशन से फिर मेरे को और चल के जाना है, फिर जाके मैं वहाँ पर पहुँचूँगा। चलिए फिर ऑटो पकड़ते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। एटलीस्ट बाय द वे मेरे को पहले ना ऑटो उधर से मिल जाता था, बट वहाँ पर जब तक वो लोग भरते नहीं, उसके बाद पूरी सवारी भरेंगे नहीं जब तक वो लोग जाएंगे नहीं, इसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा लेट हो जाता हूँ, इसलिए मैं ऑटो हमेशा सामने से पकड़ता हूँ, सामने वहाँ से ऑटो पकड़ूँगा, उसके बाद जाऊँगा मैं स्टेशन। पहले यहाँ पे ना ये यहाँ पे कुछ नहीं होया करता रहा, ये रास्ता है ना यहाँ पे, पहले यहाँ पे कुछ नहीं था, एकदम बंद था रास्ता। एटलीस्ट ये कम से कम 3-4 साल हुआ इसको, अभी जाके बना ये। एक्चुअली हमारे पतरी पुल है, यहाँ से पूरा पतरी पुल है, कम से कम 4-5 साल हो गए तब जाके बना है हमारा पतरी पुल। स्टेशन से जस्ट कि इधर लेफ्ट में जाने गए, फिर वहाँ से मेरे को थोड़ी दूर रोड चल के जाने, जब जाके मेरा बस स्टॉप आएगा, तो सामने स्टेशन है उधर, और मेरे को इधर भी जाने जाएगा, सामने स्टेशन है ये वाला है ना जो भी है स्टेशन का है, और मेरे को उधर की साइड जाने गए सामने से। यहाँ पे छोटी सी मार्केट है, यहाँ पे कपड़े वगैरह सब चीज़ मिल जाएंगे आपको। तो जाते हैं अभी थोड़ी देर, और मेरे को चल के जाने का कम से कम 15-20 मिनट और लगेगा चलने के लिए, तब जाके मैं उधर पहुँचूँगा, उसके बाद बस स्टॉप पे पहुँच के उसके बाद आपसे बात करता हूँ। एटलीस्ट यहाँ से मैं जब नाइट में जाता हूँ, मेरे को यहाँ से सरकारी बस मिल जाती है, जैसे कि ये वाली की बस, बट मैं इससे नहीं जाता हूँ,
अपनी कंपनी की बस है, उसी से जाता हूँ। चल तो चलते हैं बस स्टॉप पे, उसके बाद आपसे बात करते हैं। तो अभी जस्ट मैं अपने बस स्टॉप पे पहुँच चुका हूँ। लगभग सामने मेरा देखो यहाँ पे बस स्टॉप है, इधर से हमारी बस आएगी तो बस में एंट्री करेंगे। बाकी लोग पता नहीं आए होंगे या नहीं आए होंगे, बट अभी मैं सबसे पहले स्टॉप पे मैं ही पहुँच जाता हूँ। तो जाता हूँ अभी स्टॉप पे, देखता हूँ कौन कौन आए हैं आज। सो गाइस फाइनली मैं अपने बस स्टॉप पे पहुँच चुका हूँ। ये हमारा बस स्टॉप है यहाँ पे, और सामने से उधर बस आएगी। अभी तो काफ़ी यहाँ पे कोई भी आया नहीं है फिलहाल, यहाँ पे अभी तो कोई भी नहीं दिख रहा है। सबसे पहले मैं ही आके इधर खड़ा हूँ। एक्चुअली मैं घर से थोड़ा जल्दी निकलता हूँ जानबूझ के, क्योंकि रास्ते में कभी ट्रैफिक रहता है तो उसकी वजह से प्रॉब्लम ना हो कि बस मेरी मिस ना हो जाए, इसकी वजह से मैं थोड़ा घर से जल्दी निकलने की कोशिश करता हूँ हमेशा। तो सामने हमारा इधर दारू अड्डा है, अगर जिसको पीना है आ सकते हैं। तो अभी सब लोग बस स्टॉप पे धीरे धीरे सब लोग आ चुके हैं, तो बस भी आने का टाइम हो गया है। तो 8 बजे की बस है हमारी, तो अभी बस पकड़ेंगे। तो यहाँ पे सब लोग देख सकते हैं, यहाँ पे सब लोग जमा हो गए हैं। और जाता हूँ अभी सीधा, इवनिंग में बात करते हैं आपसे। सो अभी मैं जस्ट जॉब से आया हूँ, अभी रात के 8:30 हो गए। तो भाई पे भी जस्ट जॉब से आने वाला है, तो काफ़ी थक गया था जॉब पे, क्योंकि आप लोगों को पता है सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं तो थक जाते हैं। तो बहुत ज़ोर से भूख लगी हुई थी, तो अभी नाश्ता वगैरह कुछ किया, खाया पिया, उसके बाद अभी जाता हूँ वीडियो एडिटिंग करता हूँ। वीडियो एडिटिंग करने के बाद देखता हूँ, ये वीडियो शायद आज अपलोड होगी या कल हो सकती है, बट इसको ज़्यादातर हो सकती है आज रात को इसको कर दूँगा, क्योंकि टाइम तो अभी कुछ फिक्स नहीं है, एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा मुझे भी वीडियो का। वैसे कमेंट करके आप लोग बता भी सकते हैं कि मैं अपना वीडियो किस टाइम अपलोड करूँ, एक बार कमेंट करूँ जरूर कर दें यार। अगर आप लोगों को टाइम, जिस टाइम आप लोग फ्री रहते होंगे उस टाइम में वीडियो, उस टाइम मैं अपना अपलोड कर दिया करूँगा। तो भाई भी अभी जैसे जॉब से आ गए हैं, तो भाई का अभी मैं जाऊँगा फ़ोन लूँगा, उसमें एडिटिंग करूँगा। ये दरअसल ना मेरे फ़ोन में ना 4K सपोर्ट नहीं होता वीडियो के एडिटिंग के लिए, तो मैं भाई का फ़ोन लूँगा, अभी जाके एडिटिंग करूँगा, उसके बाद ही वीडियो अपलोड करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।